मैं इससे इनकार कर सकता हूँ और न कोई और उससे इनकार कर सकता। पहले तो बेसिक नीड जो इंसान की होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली की या ले लीजिए, रोटी कपड़ा और मकान है। आज हम पिछले जो 2 सालों से पैंडेमिक से गुजरे हैं, उसके बाद एक आम व्यक्ति को या कह लीजिए मिडिल क्लास फैमिली को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फ्री है एक्चुअली जो सरकार है, ये मैनेजरियल बॉडी है। हम पहले से अपना टैक्स दे चुके हैं, हम छोटी से छोटी चीज़ें खरीदते हैं उसके लिए टैक्स देते हैं। तो ये जो फ्री की सुविधा तो मैं इसे नहीं कहूँगा, इसको एक बचत के रूप में मैं देखता हूँ, और जो कि अपने अपने भविष्य में एक उपभोगी है। तो कुछ भी फ्री नहीं है, हम उसको बचाते हैं, इससे तो हमारी जीवन शैली। बहुत अच्छा कहा दिव्या इन्होंने, और ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि फ्री में कुछ नहीं दिया जा रहा है, जो हम टैक्स पे करते हैं वही रिटर्न किया जा रहा है। तो इसका फायदा सियासी पार्टियां कैसे उठा सकती हैं? आऊंगी, दिल्ली के लोगों की राय क्या है ये आपने जानी। मैं एक बार अमित का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद उत्तर प्रदेश लखनऊ लिए चलूंगी। अमित, जो सरकार खुद पैसे से खरीदती है वो फ्री में कैसे बांट सकती है, सवाल ये है। जी बिल्कुल विपनेश, जिस तरह अभी आपने सुना कि दिव्या जब लोगों से बातचीत कर रही, तो उन्होंने 2-3 एग्जांपल दिए कि किस तरह कोविड काल में जब लोगों की नौकरियां जा रही थी और उस बीच सरकार ने जो मदद पहुंचाई उससे उनका घर परिवार चला। और इसी तरह की बातें जो है इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। उनका ये कहना है कि जो लोग टैक्स पे करते हैं सरकार को, इन्हीं पैसों को वापस सुविधाओं के तौर पर सरकार देने की कोशिश कर रही है। पिछले 75 साल हो चुके देश को आज़ाद हुए, लेकिन जो मूलभूत सुविधा खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा, जो कि 75 साल में काफ़ी बेहतर होनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंच पाई है। लोग, देश के जो लोग हैं वो स्वास्थ्य और शिक्षा में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप गांव की तरफ जाएं तो वहां आप देखेंगे कि आज भी जो स्कूल है, स्कूल की सुविधाओं की देखेंगे तो वहां बेंच तक ठीक से नहीं है, और पढ़ाई जो शिक्षा है वो सही से नहीं हो रही है। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अमूमन पूरे देश से हम हाल के दिनों में कई सारी ऐसी तस्वीरें देखें कि जहां जो डेड बॉडीज़ है उसके लिए एम्बुलेंस नहीं होता। जब अस्पतालों के अंदर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि हम एक बेड पर 4 से 5 मरीज होते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो इस बात पर बार बार तर्क दे रही कि हम वो सुविधाएं दे रहे हैं इस वक्त देश के, खासकर दिल्ली और पंजाब के लोगों को, जो इन्हें पिछले 75 साल में मिलनी चाहिए। इसे फ्री की रेवड़ी नहीं कह सकते या फ्री में कुछ देना नहीं कह सकते। ये जनता के पैसे हैं और जनता को पैसे को हम सुविधा के तौर पर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी देख रही है कि हाल के दिनों में जिस तरह फ्री मॉडल पे या दिल्ली मॉडल पे उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई, और पंजाब में पहले 2 महीनों में जिस तरह बिजली के जो वादे पूरे किए गए, उसके अलावा जो पंजाब सरकार ने वादा किया था आम आदमी पार्टी सरकार ने, मंत्री ही क्यों ना पड़ेगा, फ्री फ्री बोलकर जनता का पैसा ही आप एक हाथ से लेते हैं दूसरे हाथ से देते हैं, दिल की बात बता दी। तो कुमार संतरा